The National Education Policy 2020. It focuses on technology-based learning and skilling as a major part of education. E-courses will also be developed in various regional languages and dialects. This whole effort will benefit from natural language processing capabilities AI platforms. We launch Responsible AI for Youth program this year in April. Under this program, more than 11,000 students from schools completed the basic course. They are now building their AI projects. Friends, the National Educational Technology Forum is being formed. This will create an e-education unit to boost the digital infrastructure, digital content, and capacity. Virtual labs are being established to provide hands-on experience to learners. We have also launched the Atal Innovation Mission to promote a culture of innovation and entrepreneurship. Through these steps, we aim to keep pace with emerging technology for people's benefit. Friends, I would also like to mention about the National Program on Artificial Intelligence. This will be dedicated towards rightful use of AI for solving problems of society. चीज को आगे ले जाने के लिए हमारे मंत्रालय ने एक फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है और उस फिटनेस प्रोटोकॉल में तीन एज कैटेगरी बनाया है जो 5 साल से 18 साल, 18 से 65 और 65 साल से ऊपर के लिए एक फिटनेस अप्रोप्रिएट एप्स बनाया है और किताब प्रिंट किया है जिसको WHO ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं. तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है उसको लॉन्च करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ. मंजूरी मिल चुकी है. वहीं इस योजना के तहत 10 सितंबर तक 25 लाख MSME को 1,18,000 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया जा चुका है. COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से MSME इकाइयां प्रभावित हुई हैं. ये योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मई में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा है. बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों तथा सूक्ष्म वित्त कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत 25,055 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो की खरीद को मंजूरी दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ने अच्छी प्रगति की है. केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड को लाकर श्रमिकों के हित में एक बड़ा काम किया है. सरकार ने कहा है कि नए लेबर कोड की वजह से पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करने में मदद मिल सकती है. इसके साथ ही सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान कराने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. इस समय न्यूनतम वेतन का फायदा सिर्फ 30% श्रमिक उठा पाते हैं. इसके साथ ही सभी मजदूरों की नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा. इसके साथ ही हर एम्प्लॉय का सालाना हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि 2025 के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत देश के किसानों को उद्यमी बनाने के साथ साथ भारत को दुनिया के लिए फूड बास्केट बनाने की परिकल्पना की है. सरकार ने 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है. आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्यों में तीसरा लक्ष्य कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है. इसके अलावा कृषि और संबंधित क्षेत्रों में